हेलो एवरीवन, मैं इस वीडियो में आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इन सॉलिड्स के न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए जो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए वो बताऊंगा। देखिए भाई क्या क्या है इसमें। सबसे पहले स्ट्रेस किसके बराबर होता है? फोर्स अपन में एरिया। ये जो फोर्स होता है ये रिस्टोरिंग फोर्स होता है परमिट एरिया में, ठीक है। कहीं पर भी आपको स्ट्रेस निकालता हूं तो ऐसे निकलेगा। ये एक क्या भी स्केलर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट प्रेशर की यूनिट होती है उसके बराबर होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन बाय में ओरिजिनल डायमेंशन। अगर मान लो लेंथ में चेंज, लेंथ में स्ट्रेन देख रहे हो आप, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। एरिया में स्ट्रेन देखना चाहते हो तो चेंज इन एरिया बाय ओरिजिनल एरिया। वॉल्यूम में देखना चाहते हो तो चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो तीन प्रकार का क्या होगा स्ट्रेन। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसके बराबर होता है? फोर्स अपन एरिया बाय चेंज इन लेंथ इनटू में ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। ये सॉलिड्स के लिए ही जनरली होता है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। फोर्स अपन एरिया, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, फोर्स को नीचे ले, एरिया को नीचे ले, फोर्स अपन एरिया हो गया चेंज इन लेंथ बाय लेंथ को ऐसे, ठीक है, लिख सकते हैं। एल ऊपर चला गया, फोर्स अपन एरिया इनटू में चेंज इन लेंथ, लेंथ ऊपर आ गया। एल यूनिट क्या हो गया मॉडुलस की भी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऐसे बल्क मॉडुलस की यूनिट, बल्क मॉडुलस क्या होता है? फोर्स अपन एरिया चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, वॉल्यूम को ऊपर भेज दिया। फोर्स अपन एरिया कंप्रेसर भी बोल सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, डन। फोर्स अपन एरिया हो गया प्रेशर। यहां पर माइनस का साइन इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जब भी आप वॉल्यूम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होना है, तो फाइनल वॉल्यूम कम होगा इनिशियल वॉल्यूम से। चेंज हम निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, तो नेगेटिव आएगा वॉल्यूम क्योंकि फाइनल कम है, तो उस नेगेटिव को पहले हम बैलेंस कर दे, माइनस कर देते हैं, ठीक है। यूनिट वही फिर से भी क्या होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सीयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस और प्रेशर, यूनिट सेम होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पर हाँ ध्यान रखना, प्रेशर और जो आपका स्ट्रेस होता है इन दोनों के अंदर बेसिक डिफरेंस होता है फोर्स का। इसके अंदर जो फोर्स होता है वो रिस्टोरिंग फोर्स होता है, ठीक है, और जो प्रेशर होता है उसके अंदर क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्स लेते हैं, ठीक है, और वो जो प्रेशर है आपका स्ट्रेस से डिफरेंट अपना पर्सपेक्टिव होता है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेस्ड वायर क्या होगी भाई? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेस्ड वायर बराबर होती है हाफ ऑफ फोर्स इनटू में चेंज इन लेंथ। तो स्ट्रेस्ड वायर में कितना वायर स्टेबल हो जाएगा? दैट इज चेंज इन लेंथ। इसको हम एक्सटेंशन भी बोल सकते हैं। फोर्स अप्लाई करते हैं, एनर्जी एक प्रकार का क्या है? वर्क डन होती है, जो फोर्स इनटू में डिस्टेंस निकालते हैं, बस क्या कर देना? हाफ कर देना। याद रखना भी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेस्ड वायर बराबर होती है हाफ ऑफ फोर्स इनटू में चेंज इन लेंथ, फिनिश। आप ये हो गया फोर्स, ये चेंज इन लेंथ क्या हो गया भाई? एक्सटेंशन। चेंज कितना है? बाय में 2 करना है, ठीक है। इसी को आप और किस फॉर्म में लिख सकते हैं? अगर मैं इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं, एरिया इनटू लेंथ से मैंने क्या कर दिया भाई? इसको मल्टीप्लाई कर दिया, वॉल्यूम हो गया वायर का, एरिया इनटू डिवाइड कर दिया इसको वॉल्यूम से, एरिया इनटू लेंथ। तो फोर्स अपन एरिया क्या बन जाता है? स्ट्रेस। और चेंज इन लेंथ बाय में ओरिजिनल लेंथ बन जाएगा क्या? स्ट्रेन। तो क्या हो गया? हाफ स्ट्रेस इनटू में स्ट्रेन, ये बन गया स्ट्रेस। पूरी क्या बन गई? स्ट्रेस। एक्सटेंशन चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ क्या बन गया? स्ट्रेन। एल एरिया इनटू लेंथ क्या हो गया? वॉल्यूम। तो आप पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेस वायर याद कर सकते हैं हाफ ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। याद रखना भाई, स्ट्रेस स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम भाग में 2, ठीक है। आप स्ट्रेस को क्या लिख सकते हो? यंग मॉडुलस इनटू में स्ट्रेन। स्ट्रेस को क्या लिख सकते हैं? यंग मॉडुलस इनटू में स्ट्रेन, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ क्या? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और यंग मॉडुलस वायर के लिए हम यंग मॉडुलस यूज करते हैं, तो क्या आ जाएगा? कांस्टेंट को हटाएंगे तो यंग मॉडुलस इनटू में स्ट्रेन हो जाएगा। डायरेक्टली हटाएंगे बराबर लगाएंगे तो कांस्टेंट लगाना होता है, यंग मॉडुलस के बराबर हो गया स्ट्रेस की। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन के बराबर हो जाएगा यंग मॉडुलस, ठीक है। स्ट्रेस की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? यंग इनटू में स्ट्रेन, यंग मॉडुलस इनटू में स्ट्रेन रख दिया हमने। स्ट्रेस की वैल्यू रख दी यंग मॉडुलस वाई इनटू में स्ट्रेन, एक स्ट्रेन पहले से था तो क्या हो गया? स्ट्रेन का स्क्वायर, ठीक है। स्ट्रेस की वैल्यू मैं क्या रख दूं? यंग मॉडुलस इनटू में स्ट्रेन। तो आगे क्या? यंग मॉडुलस इनटू में स्ट्रेन का स्क्वायर इनटू में वॉल्यूम, ठीक है भाई, हाफ याद रखना, ठीक है। अब मैं वॉल्यूम में नीचे आऊं तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेस वायर बाय में वॉल्यूम किसका हो जाएगा? बाय में 2, ये याद रखना है। स्ट्रेस इनटू में स्ट्रेन आ जाएगा, केवल स्ट्रेस इनटू में स्ट्रेन ही रह जाता है बस। और क्या भाई? यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन स्क्वायर बाय में 2 हो जाएगा। अगर आप यहीं पे स्ट्रेन को कन्वर्ट कर दे तो स्ट्रेस बाय में क्या आ जाएगा? यंग मॉडुलस। स्ट्रेस का क्या हो जाएगा फिर? ये स्ट्रेस इसके लिए दिया हमने क्या? स्ट्रेस बाय में यंग मॉडुलस। तो स्ट्रेस का क्या हो जाएगा? स्क्वायर बाय में यंग मॉडुलस। तो स्ट्रेस का स्क्वायर बाय में यंग मॉडुलस बाय में 2 है ही। तो याद रखने का तरीका काफी आसान हो जाएगा भाई। इन्हीं के बेसिस पे आपको क्या करना है? न्यूमेरिकल करने, किसके? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के न्यूमेरिकल, ठीक है। तो एक प्रकार से आपकी शॉर्ट डिवीजन हो गई है। और हां भाई, सीयर मॉडुलस किसका होता है? दिस इज सीयर मॉडुलस इलास्टिसिटी, जी से लिखते हैं इसको, या एटा से लिख रखा है कहीं बुकों में, आप जैसा जहां भी पढ़े उस हिसाब से यूज करें, बस आपको बेसिक सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए। ये क्या था? फोर्स अपन एरिया इनटू में थीटा। एक्चुअली ये कैसे बताते हैं? मान लो कोई बुक है, ठीक है, ये अपनी लेंथ ऊपर से मैं इसको खींच दूं ऐसे, तो क्या होगा भाई? ये ऐसे बढ़ जाती है, तिरछी हो जाएगी ऐसे, ठीक है। डॉक्टर में दिखाऊं तो ये जो यहां ये वाला ये था, ये क्या हो गया? ऐसे इतना आगे बढ़ गया, ठीक है। तो ये वाली जो चेंज इन लेंथ आती है इसे हम लिखते हैं डेल्टा एक्स। बुक मान लो वो ऐसे हो जाएगी तो कितना चेंज आया ऊपर की तरफ? ये होता है डेल्टा एक्स। सीयर मॉडुलस में जो यहां पे स्ट्रेन लेते हैं ना, सीयर स्ट्रेन, तो ये डेल्टा एक्स ये, और ये जो ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, दिस इज यहां पे लिख रखी है एल, ये लेते हैं डेल्टा एक्स बाय एल, सीयर स्ट्रेन आ जाएगा, निकाल दिया। फोर्स अपन एरिया, यहां पे जो फोर्स लगाया और इसका एरिया कितना है, फिनिश। एरिया देखो, मान लो कोई बुक है अपने पास, कोई बुक को लिखते हैं हम, यहां पे बुक देख लेते हैं कोई, लेट्स अज्यूम दैट, मान लीजिए आपके पास एक बुक है, ठीक है। तो सीएसएन में क्या करना है? अगर हम इसके ऊपर लगा रहे हैं, मान लो फोर्स में इसके ऊपर लगा रहा हूं, तो ये वाला लेगा, देखा कितने एरिया लगा, फोर्स अपन में एरिया, फोर्स लगाया मैंने ऊपर की तरफ, टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं तभी सीयर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस आता है, लगा दिया ऊपर की तरफ, ठीक है। इस फेस पर लगाया, नीचे वाले को रखा ऐसे, आगे गया। तो अब देखो नॉर्मल इसकी लेंथ है एल, ठीक है, ये वाली चेंज लेंथ, जैसे मैंने फोर्स लगाया, देखो ये इस वाले पॉइंट से कितनी आगे निकल गई, ये वाला, ये क्या होगा आपका? व्हाट? डेल्टा एक्स। तो ये था भाई क्या? सीयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, सीयर मॉडुलस में ये रिलेशन होता है, 9 बाय यंग मॉडुलस बराबर होता है 3 बाय में सीयर मॉडुलस प्लस 1 बाय में बल्क मॉडुलस। याद रखने तरीका, देखिए यंग मॉडुलस में आप आसानी से y को 9 बना सकते हैं 9 के भाग में, ठीक है। 3 के भाग में s सीयर मॉडुलस 3s, ट्रिपल s याद रख सकते हैं 3 बाय s,
प्लस में वन बाई बी बल्क मॉडुलस होता है एक बटा बी। और ये भी कैसे यहां पे प्लस ही क्यों आएगा, थ्री प्लस वन। एक और तरीका याद रखने का, कैसे याद रख सकते हो आप इसको भाई, 931 वाई में वाई जी बी यंग बी यंग बॉय, ठीक है 931 यंग बॉय सिंपल या सिंपल याद नो वाई यार आसान था, वाई को नो कर दो वाई के ऊपर नो, 931 वाई में यंग जी बी ठीक है यंग बॉय वाई जी बी। और भाई 9 3 में एक जोड़ो मान लो तभी नो बनता है, तो इन दोनों का जोड़ होगा ठीक है हो गया। एक और भाई चेंज इन एरिया बाई एरिया, फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया कहलाता है। अगर कहीं पर लेंथ या रेडियस में चेंज पता हो आपको, जो लेंथ क्या होती है वन डायमेंशन, एरिया क्या टू डायमेंशन, कुछ नहीं करना, टू से मल्टीप्लाई कर दो चेंज इन लेंथ बाई लेंथ के बराबर होगा चेंज इन एरिया बाई एरिया, यानी फ्रैक्शनल चेंज एरिया इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ चेंज इन लेंथ, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, या यहां पे आप रेडियस समझ सकते हो ठीक है। चेंज इन वॉल्यूम बाई वॉल्यूम बराबर होगा थ्री टाइम्स ऑफ चेंज इन लेंथ बाई लेंथ, यानी फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम बराबर होगा थ्री टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ या थ्री टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस, एक बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। और यहां पे आप इन दोनों को एक दूसरे के साथ लिंक भी कर सकते हैं ठीक है भाई। एक न्यूमेरिकल पूछ जाते हैं, ऐसे न्यूमेरिकल पूछेंगे आपसे कि आपको क्या होगा चेंज इन वॉल्यूम बाई वॉल्यूम बल्क मॉडुलस से आप निकाल लेंगे ठीक है, यहां से आपको चेंज इन लेंथ मिल जाएगा, चेंज इन लेंथ को आप यहां पुट कर देंगे चेंज इन एरिया आ जाएगा ठीक है। यह बेसिकली एल का क्वेश्चन है जो आपको किसी और वीडियो में समझा दूंगा ओके। आगे सिग्मा क्या होता है आपका, पॉइजन रेशियो। मान लो मैं इसको अगर स्ट्रेच कर दूं तो क्या होगा, इसके लेटरल लेंथ इसका एरिया, ये एरिया ऑफ सेक्शन कम हो जाएगा, लंबाई भी बढ़ जाएगी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आ जाएगा, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, अगर इसका डायमीटर भी है वायर क्या हो जाएगा, ये आपका जो मार्कर है क्या हो जाएगा पतला, तो इसका जो लेटरल डायमेंशन होता है ये वाला लेटरल डायमेंशन होता है ये होता है लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन। तो आपका लेटरल डायमीटर लेटरल में क्या आएगा, रेडियस क्रॉस सेक्शन एरिया में क्या होगी रेडियस या डायमीटर क्या हो जाएगा चेंज, तो चेंज इन डायमीटर बाय ओरिजिनल डायमीटर होता है लेटरल स्ट्रेन, या चेंज इन रेडियस बाय ओरिजिनल रेडियस ले सकते हैं आप। इसके अलावा लिखेंगे क्या, चेंज इन डायमीटर बाय ओरिजिनल डायमीटर, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन रेडियस बाय में चेंज इन लेंथ बाय में ओरिजिनल लेंथ, लेंथ ऊपर चला जाएगा दिस। तो ये आपका पॉइजंस रेशियो ठीक है, रेशियो क्या होता है ठीक है। तो ये था भाई मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की, आपको बेसिक न्यूमेरिकल जो पता होने चाहिए ओके। यहाँ पे आप इसको याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई, वॉल्यूम के साथ पूछ सकते हैं ठीक है, स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला, स्ट्रेन का डायमेंशन फॉर्मूला पूछ सकते हैं, स्ट्रेन की ना तो यूनिट होती है ना डायमेंशन फॉर्मूला, स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के सिग्नल को m1 l1 t - 2 न्यूटन का हो गया भाई, पर स्क्वायर l2 तो क्या हो गया m1 l - 1 t - 2, ये डायमेंशन फॉर्मूला आ गया इसका भाई स्ट्रेस का ठीक है। होप सो गाइस आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की बेसिक न्यूमेरिकल समझ में आ गए, बेसिक फॉर्मूले समझ में आ गए ओके। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी अच्छे से पढ़िए, किस प्रकार कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिए और पूछिए। ऑल द बेस्ट।